नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्यालॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। आप सबका सत्यालॉजी के शो में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं अपना स्क्रीन का शेयर एक जगह अटका के रखा था और मुझे लगा कि आई एम शेयरिंग द ग्लोब बट नहीं हो पाया, लेकिन बाद में मैंने कवर करने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसको किसी दूसरे शो में कवर करूंगा। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज जब हम धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब हमको वेदों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वेद के अनुसार ही धर्म होता है, वेद के विपरीत अधर्म होता है। ये यमदूत जो है यमराज को पूछते हैं और बताते हैं, उनसे जानते हैं और यमराज उनको बताते हैं कि वेद प्रणीतो धर्मो ये अधर्मो, उसके विपरीत है जो होता है वो अधर्म होता है। उसी प्रकार से जो ज्ञान विज्ञान वेदों के अनुसार है वो धार्मिक है, बाकी सब अधार्मिक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनोवेशन नहीं कर सकते। पुराने समय में भी टूल्स होते थे और मुझे ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पश्चिम ने इतने टूल्स बनाए, आप उनका फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, है? कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं और मैं पश्चिम में ही रहता हूं। ये हम ये नहीं बोल रहे हम अनग्रेटफुल है, लेकिन कारीगर तो कारीगर ही होता है। अगर आप किसी कंपनी को भी देखेंगे जो टूल्स बनाता है, उसके अंदर जो काम करता है उसको टूल बनाना थोड़ी आता है, सीईओ को उसको मैनेज करना आता है। तो कारीगर जो टूल बनाता है उसका भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वो टूल मेकर बिकम्स अ सुप्रीम, ऐसा नहीं है। वो विज्ञान कहां से आया, वो उन एलिमेंट्स को मोल्ड करने का विज्ञान कहां से आया, वो इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ दैट नॉलेज फ्रॉम वेयर इट केम। अब जब उस सोर्स में जाते हैं, मेटलर्जी में जाते हैं, टाइम कैलकुलेशन में जाते हैं, तो वहां पे ऋषि मुनियों का जो वैदिक परंपरा आते थे वो कोई भी साधारण मनुष्य नहीं था। उनको आप ये मत मानिए जो आज जो इमेज बना दी बॉलीवुड ने या फिर जो भारत के लोगों ने इमेज खराब करी है, अंग्रेज क्या खराब करेंगे। अंग्रेजों ने तो सिखाया कि इस तरह सोचो, वो सोच रहे हैं। इमेज तो अपने लोग खराब करते हैं जो चापलूसी करते हैं और जो उनको भी मूर्ख बनाते हैं, वो अंग्रेजों को भी मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि भोजन तो इंडियन ही अच्छा लगता है लेकिन आदतें सारी अंग्रेजी पालनी हुई है और आजकल अंग्रेज हिंदू बनते जा रहे हैं। और वो जब उनको देखते हैं, जैसे जूलिया रॉबर्ट्स हिंदू बन गई तो बॉलीवुड वाले उनको रिजेक्ट कर देते हैं, अरे भाई ये तो हमारा एजेंडा नहीं है ना? तो दूर के ढोल सुहाग में इसको बोलते हैं। तो जो टूल बनाते हैं उनको कारीगर ही बोला जाता है, लेकिन जो विज्ञान बनाता है वो वैज्ञानिक होता है, ना? तो साइंस के बेसिस पर टेक्नोलॉजी बनती है, ये सबको मालूम है। टेक्नोलॉजी से टूल्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन उसका पूरा का जो बेस है, अभी जैसे हम आप टेस्ला कार देख रहे हैं, निकोल टेस्ला से ज्यादा तो टेस्ला कार फेमस हो गई उसके नाम की, बट उसने क्या बनाया, बैटरी पे एनर्जी स्टोर करना। कितने साल पहले बना दिया था, 30s में बना दिया था कि बैटरी से कार चलेगी, ट्रांसमिशन बनाना। लेकिन बाद में आइडिया जो टूल्स बना रहा है व्यक्ति इलॉन मस्क, कुछ लोग उसको इलॉन मस्क बुलाते हैं, तो अंकित जी, और तो वो फेमस हो गया ज्यादा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बोलेंगे कि वो टेस्ला का, दोनों का क्रेडिट है, लेकिन विज्ञान इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टूल्स। इसलिए ये उत्तर उन लोगों के लिए कि डोंट गेट इंप्रेस्ड बाय द टूल मेकर। आपके हाथ में जो प्लास्टिक जो फोन है, आपका आईफोन है, उसमें कहीं भारत का पार्ट लगा है, कहीं अफ्रीका का पार्ट लगा है, कहीं और का पार्ट लगा है, सभी टेक्नोलॉजीज को जोड़ के बनाई गई है, तब वो आपको फोन मिलता है ना? तो अब जब हम सोर्स ऑफ नॉलेज की तरफ जाते हैं, तो वैदिक सोर्स के अलावा कोई और सोर्स ही नहीं है, सांख्य के अलावा कोई सोर्स ही नहीं है। एम्पिरिकल स्टडी, हर कण में भगवान को ढूंढना सांख्य, हर कण में भगवान को देखना सांख्य। वो सांख्य कब कंप्लीट होता है, जब सांख्य योग बन जाता है। वहीं से अथर्ववेद के द्वारा दिस पूरी विज्ञान पृथ्वी पर आई, समझे आप? वो पूरा विज्ञान आया है वेदों के द्वारा, बाहर से ही आया है,
क्योंकि पृथ्वी तो बनाई जाती है बार बार, मतलब वहां पे लोग लाए जाते हैं। तो आज का शोर शोर करते हैं टाइम कैलकुलेशन पे। तो एक मेजर डिफरेंस है पश्चिम और वैदिक और अवैदिक में, मेजर डिफरेंस है। और वो है, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो है जगह मैं दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं ग्रीनविच, लंदन के पास में है। यहां पे ग्रीनविच टाइम कैलकुलेट होता है, और फिर कहीं जगह पे घड़ी आगे बढ़नी पड़ती है, कम करनी पड़ती है, क्योंकि ये उत्तरी दिशा में है और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे करते हैं तो वो एक्यूरेट प्रडिक्शन नहीं आता है पृथ्वी का। तो कहीं तो इसलिए टाइम आपको कैलकुलेट करना, चेंज करना पड़ेगा फॉर सनलाइट और डे लाइट और नाइट लाइट। डे लाइट समर के टाइम में, विंटर के टाइम में डे लाइट सेविंग। तो अब चलते हैं दूसरी स्क्रीन पे। सो मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, एक दूसरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो इसमें जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ये विकिपीडिया को ही मैं यूज कर रहा हूं। अब्राहमिक रिलीजन में विकिपीडिया लीनियर है, मतलब ये है कि जुडेो क्रिश्चियन व्यू पॉइंट से जब भगवान ने क्रिएशन किया तब से है। तो अगर क्रिएशन किया, सो हिब्रू वर्ड इदान, मीडियम ऑफ पासेज ऑफ प्रीडिस्टिंक्ट इवेंट्स। सो ये क्रिएशन किया, वो किया इन्होंने, मान लिया जीसी, जैसे बोलते हैं बीसी और एडी, बिफोर क्राइस्ट उन्होंने मान लिया, आफ्टर क्राइस्ट, मतलब दुनिया सिर्फ 4,000 पहले साल शुरू हुई है, ये लोग बोलते हैं। अभी इन्हीं के साइंटिस्ट बोल रहे हैं दुनिया बहुत पुरानी है ना। फॉल्ट ब्रेक हो गया वहां पे, लॉजिक ब्रेक हो गया, खुद बोल रहे हैं। अब ये खुद ही का कैलकुलेशन है, तो इनका खुद ही का कैलकुलेशन है कि कितना समय दुनिया बनी, खुद ही का कैलकुलेशन है 4,000 साल पहले अकॉर्डिंग टू देम। अब हम आते हैं वैदिक कैलकुलेशन में। वैदिक कैलकुलेशन में क्या होता है कि टाइम, अब और उससे दूसरा चीज क्या है कि इनके कैलेंडर के टाइम में सेकंड्स का कैलकुलेशन ठीक नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं इनका सेकंड का कैलकुलेशन प्लैंक टाइम में आता है, प्लैंक टाइम में, टाइम कैलकुलेशन में प्लैंक टाइम, और प्लैंक का कैलकुलेशन ठीक नहीं है कहीं पर भी, बिकॉज उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज वेरी, ये बोलते हैं अमाउंट ऑफ टाइम लाइट टेक्स टू ट्रेवल इज 1 प्लैंक लेंथ। तो 1 प्लैंक लेंथ बोलते हैं 5.39 × 10⁻⁴ सेकेंड। तो इन्होंने ये कैलकुलेट, बट कोई बेसिस नहीं है, फिजिकल बेसिस नहीं है, एक इक्वेशन बनी हुई है एंड देर नो फिजिकल बेसिस फॉर दैट। और एक जिफी इज अमाउंट ऑफ टाइम टेकन ट्रेवल 1 फर्मी, प्लैंक टाइम इज टाइम टेकन ट्रेवल 1 प्लैंक लेंथ। तो ये सब जो कैलकुलेशंस है ये पोस्ट हिस्टोरिकल कैलकुलेशंस है, कोई एक फिजिकल नहीं है, फिजिकल लाइक टेस्ट नहीं है, व्हाट इज द विच वी कैन वेरीफाई, वो नहीं है। आपको कहीं भी यूनिट ऑफ टाइम में जो वेस्टर्न मेजरमेंट है उसमें आपको एग्जैक्ट वो नहीं मिलेगा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है। लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स जार्गन इज देयर, दैट मीन्स देयर यूजिंग अजम्पशंस फ्रॉम समवेयर, एंड दैट अजम्पशन दे हैव टेकन फ्रॉम वैदिक नॉलेज। अब मैं उसको बताता हूँ कैसे लिया उन्होंने। बाकी उन्होंने कैलकुलेशन किया है कि 1 वीक कितना होता है, 10 वीक कैसा होता है, बट वो 1 सेकेंड का कैलकुलेशन कहीं है नहीं, और हमारी मेजरमेंट में भी सेकंड का कैलकुलेशन नहीं है। हमारे यहाँ मेजरमेंट में, वैदिक मेजरमेंट में तीसरे रेणु का मूवमेंट है, तीसरे रेणु का मूवमेंट है विच इज डिफरेंट। तो लेट अस गो टू अवर कैलकुलेशन। ओके, तो मेरी बुक है ट्रांसलिंग द माइंड, उससे मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको मैंने कैलकुलेट किया है। और ये लिखा है भागवत पुराण के श्लोकों के आधार पे, भागवत पुराण में सुखदेव गोस्वामी ये बातें कर रहे हैं।
तो योग सूत्र में बोला जाता है क्षणत क्रमयो संयम्या संयमा द्विज द्विज वेकजम ज्ञानम। संयम ऑन क्षण एंड इट्स सीक्वेंस एंड कंटिन्यूटी क्रमयो रिजल्ट्स इन नॉलेज विद विवेक। विवेक इज लॉजिकल रीजनिंग थ्रू वेद। नाउ टाइम इसका कैलकुलेशन आपको मालूम है इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योग, वेरी इंपॉर्टेंट योग। द टाइम कैलकुलेशन ऑफ वेद इज सब एटॉमिक। कैसे है? अरुण 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 दवा परमाणु स्यात्र सरेणु त्रय स्मिता जालार्क श्रम अवगत खमेवानु पत्तनगात त्रसरेणु त्रिकम भुक्ते य काल सत्रुडी स्मिता शतभागस्तु वेद स्यात्य स्त्री विस्तु लव स्मिता निमेश स्त्री लव गेय आमन्नास्ते त्रय क्षणा क्षणान पंच विधु काष्ठाम लघुता दश पंच च लघुनि वे समानता समानाता दश पंच नाडिका ते दवे मूर्त प्रहर चढ़याम सप्त निर्णाम। सो अणु से शुरू होता है। अणु मतलब होता है सबसे छोटा कण। अभी आजकल हमने बहुत शुरू कर दिया न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और उसका कॉम्बिनेशन शुरू कर दिया है हम लोगों ने। दिस इज गोइंग ट्राइंग टू शो दे कैन गो डीपर इनटू द नॉलेज बट अल्टीमेटली अणु जो बात की जा रही है हमारे शास्त्रों में वो बात की जा रही है इलेक्ट्रॉन लेवल पे। ओके यहां पे बना दिया है इलेक्ट्रॉन लेवल पे बात की जा रही है। तो दो अणु जब मिलते हैं उनके बीच में जो समय लगता है दैट इज कॉल्ड परमाणु। अभी टाइम कैलकुलेशन हो गया। तो अणु तो एक लोएस्ट पार्टिकल है। जब दो अणु मिलते हैं तो वो बन के परमाणु, वो बन के एटॉमिक। अब तीसरे अणु में है तीन परमाणु मतलब छह एटम। अब जब वो सूर्य की तरफ जाते हैं वो आपको दिख सकते हैं छोटे छोटे कण। जब विंडो आती है धूल के कुछ कण ऊपर जाते हैं वो दिख जाते हैं कभी कभी क्लीन एटमॉस्फेयर में आप देखें उनको। त्रुटि है तीन त्रिश्रेणियों को मर्ज करने की त्रुटि और वो आती है 1/1687.5 सेकेंड 1/1687.5 सेकेंड। अब ये कैलकुलेशन कैसे हुई? ये अणु के हिसाब से हुई। ये किसने लिखा है? ब्रह्मगुप्त ने लिखा है। ब्रह्मगुप्त ने दिया है। नाउ अब इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न साइंटिस्ट ने इसी डेफिनेशन को अडॉप्ट किया उन्होंने। बाकी सब जो नाम दिए ना फॉर्मूला दिया है टू प्रूव दिस नंबर द फॉर्मूलाज द प्लैंक टाइम एंड द प्लैंक थिंग इज गिवन टू प्रूव दीज नंबर्स। कोई ना कोई इनको बेसिस चाहिए ना रिसर्च करने के लिए। रिसर्च आप किस पे करते हैं? आपके पास आउटकम ऑलरेडी है कि ये हो रहा है, फिर आप रिसर्च करते हैं पता लगाने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है। सो वॉट एवर यू सी इन द वेस्टर्न पब्लिकेशन इज द आउटकम ऑफ द रिसर्च दैट यू आर सीइंग, जो दिख रहा है आपको। ये बहुत सारे हमारे जो टीचर्स से भूल जाते हैं कि दे आर ट्राइंग टू प्रूव वॉट इज ऑलरेडी गिवन टू दैम। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं बता रहे हैं कि ये हम देख रहे हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, दिस इज वॉट वी सीइंग एंड दैट्स व्हाई दिस इज मोर ऑथेंटिक बिकॉज आई कैन, मेरे पास अनुमान प्रत्यक्ष अनुमान आगमन तीनों है मेरे पास। तो माय वृत्ति इज सेटिस्फाइड और वृत्ति को जब आप दबाते हैं निरोध वृत्ति निरोधश योग वृत्ति निरोधश वृत्ति को दबाते तभी योग होता है। तो इस संयम की विधि से आप देख रहे हैं समय को, उससे क्या होता है आपको ज्ञान मिलता है विद विवेक। सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए हमको, चाहिए विवेकजम ज्ञानम, ज्ञान विद विवेक। जो है तीन त्रिश्रेणियों को जब मिलते हैं तो उसको त्रुटि बोलते हैं। उसमें समय कितना लगता है? 1/687.5 सेकेंड। ये कैलकुलेशन रिकॉर्ड किए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने।
और ये रिकॉर्ड किए सुखदेव समय के समय से, सुखदेव के पहले के समय से है? तो ब्रह्मगुप्त तो बहुत बाद में आए हैं। फिर वेदा जो है 100 त्रुटि है, 0.06 सेकंड वेदा। फिर उसके बाद लव, तीन वेदा को मर्ज करते हैं तो 0.818 सेकंड आती है लव। लव मात्र बोलते हैं ना, लव मात्र, लव का अर्थ हुआ 0.18 सेकंड। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि 0.18 सेकंड के लिए भी आप किसी साधु से मिल ले। देखिए कितना भयंकर प्रयोग हो रहा है समय का भक्ति में, योग में। अगर 0.18 सेकंड के लिए किसी साधु को मिल ले सर्व सिद्धि होए, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं सब प्रकार की सक्सेस आपको मिल जाएगी। अमेजिंग राइट, अमेजिंग एकदम। फिर निमेश, तीन लव को अगर मर्ज करना है उसका कैलकुलेशन 0.54 सेकंड। और क्षण जो है तीन निमेश को जब आप मर्ज करते हैं तब आता है 1.62 सेकंड क्षण मापी क्षण 1.62 सेकंड। ठीक है, याद रखिए ये सारे हमारे श्लोकों में यूज होते हैं, ये साधारण लैंग्वेज है हमारे यहाँ। सिर्फ 550 साल पहले की बात कर रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहा हूँ, अभी पता नहीं कहाँ खो गई है। शायद हमारे इसरो के साइंटिस्ट ये कैलकुलेशंस को यूज करें रॉकेट्स के लिए तो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होगा। जस्ट इमेजिन हम मंत्रों में कितना नीचे जा रहे हैं, 0.18 सेकंड, 0.54 सेकंड, 0.06 सेकंड, उस लेवल पे हमारा संयम हो रहा है। ध्यान धारणा समाधि, इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हमारे ऋषि मुनियों का है। तो साइंटिस्ट नहीं हुए फिर? हुए। आज भी ऐसे हजारों लोग भारत में घूमते हैं, आप ढूंढिए तो सही है ना। अभी बॉलीवुड में बॉलीवुड के थिएटर में जाके तो मिलेंगे नहीं आपको, आपको जाना पड़ेगा सही जगह पे, काशी गंगा के तट पे घूमिए, मिलिए लोगों से, विद्वान पंडित हैं जगह जगह, बहुत जगह है, उनसे मिलिए जाके, ये सब ज्ञान उनके पास है। और फिर उसके बाद देखिए, ये जब मैं ये बुक लिख रहा था मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जब मैं भागवत पुराण को देखा, अथर्ववेद को देखा, फिर मैंने ऋग्वेद को देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्या टाइम कैलकुलेशन है, जबरदस्त टाइम कैलकुलेशन है, नोबडी कैन बीट इट। तो वेस्टर्न साइंस कौन सा टाइम दिखा रहा है, एक्चुअली वो सारा चोरी किया हुआ है भारत से। देयर इज नो सच थिंग, दे कैन नॉट इवन प्रूव देयर ओन इक्वेशंस। अ योगी कैन प्रूव हिज ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन साइंस का मतलब ऑब्जर्व करें ना, आप वृत्ति को दमन करके फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आपकी वृत्तियां ही कंट्रोल नहीं है तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे, आप कर ही नहीं सकते। तो यही तो यहां पे मैं बोल रहा हूं, ये जो समय कैलकुलेशन है, ये भारतीय जो हमारे योगी हैं वो हर क्षण करते हैं, डेली करते हैं, मुहूर्त के समय करते हैं। अब वो मुहूर्त पे आने वाला हूं मैं। 5 क्षणों को मिलाकर बनता है काष्ठा 8.1 सेकंड का, और 15 काष्ठा को मिलाकर बनता है 121 सेकंड का, 1.5 सेकंड का बनता है लघु। और नाड़िका और दंड 15 लघु मतलब 1822.5 सेकंड, ओके 1822.5 सेकंड। मुहूर्त टाइम टेकन टू मर्ज टू नाड़िका और दंड 3645 सेकंड। 3645 सेकंड कितना हो गया, 60 से डिवाइड कर लीजिए है ना, कितना हो गया, कैलकुलेटर तो होगा मेरे पास है, मैं आपको बताता हूं कि कितना एक्यूरेट ट्रांसमिट हो रहा है। अभी हम लोग मुहूर्त का कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप लोग पूछते रहते हैं ना 3645 डिवाइड बाय 60, 60 मिनट अप्रोक्सीमेटली मुहूर्त, एक मुहूर्त को बोलते हैं एक्चुअली 45 मिनट 48 मिनट होता है। मुहूर्त मीन्स टू मतलब 18 3645 सेकंड,
और अगर इसको हम लोग 6 और 7 दंड एक फोर्थ ऑफ डे मतलब 3.03 आवर्स, तो हम लोग बोलते हैं मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य के 45 मिनट पहले से सूर्य मुहूर्त शुरू हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है सूर्य के आने से, 1 घंटा लगा लीजिए। तो हम लोग सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो हर संध्या के मुहूर्त में, दोपहर में और शाम को, जब सूर्य आपके सिर के ऊपर हो उसके 45 मिनट पहले उसके 45 मिनट बाद तक आप गायत्री कर सकते हैं। गायत्री से कनेक्टेड है, आप जिसको गायत्री दीक्षा मिली हुई है वो मंत्र जप कर सकता है, या हरि नाम मिली हुई है तो हरि नाम कर सकते हैं, और जिसको नहीं मिली है कोई भी हरि नाम ले सकता है, दीक्षा की आवश्यकता नहीं। तो ये सिस्टम आप देखिए टाइम कैलकुलेशन का, कि दिस टाइम कैलकुलेशन इज सो एक्यूरेट इन अवर शास्त्र, कि आप उसके उसका यूज क्या है, टाइम इसका यूज क्या है, इनको तो यूज मालूम ही नहीं है। फिर आप इंटरनेट पे सुनते हैं अभी 6 बजे उठ के ब्रेकफास्ट कर लीजिए, 7 बजे उठ के ये कर लीजिए, 8 बजे उठ के ये, 12 बजे खा लीजिए। अरे कुछ जीवन का पर्पस कोई भेड़ बकरी के जैसा तो नहीं है कि हम खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, कुछ काम करना है अपनी आत्मा के लिए, जीवन क्यों मिला है? फिर हमने जानवरों में क्या फर्क हो गया है ना, उनको भी सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए। हमने पूरा एनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, डार्विनियन लाइफस्टाइल नहीं, समय का ये नहीं है, समय का है ध्यान धारणा समाधि, संध्या के समय सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर की संध्या में, शाम की संध्या में मंत्र का जप, ये है समय का इंपॉर्टेंस। इसलिए समय कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी जगह तो समय कैलकुलेशन है भाई अब तो हम कैलकुलेट करें कम बनने वाले हैं, ये हो रहा है ना। आप बर्थडे सेलिब्रेट करें हर साल, हर साल बूढ़े हो रहे हैं सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट? तो वेस्टर्न वर्ल्ड को दे डोंट नो हाउ टू व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम, बिकॉज उनको सिखाया गया लीनियर टाइम है, मींस वो कभी वापस नहीं आने वाले। बिल्कुल एक बात तो सही भी है कि टाइम लीनियर भी है और नॉन लीनियर भी है। लीनियर इसलिए है कि जो आज समय गया वो वापस आने वाला नहीं है, है ना? और नॉन लीनियर इसलिए है कि ओवरऑल जो क्रिएशन एनाइलेशन का जो साइकिल है वो साइक्लिकल है, दोनों है। तो लीनियर हमारे को दिख भी रहा है कि अभी यहाँ पे शाम के समय हुआ है, आपके इधर सुबह का समय होगा, तो या आपके इधर शाम हो सकती है यहाँ पे सुबह हो, क्योंकि टाइम टाइम जोन का डिफरेंस है। तो लीनियर भी है और नॉन लीनियर भी है। नॉन लीनियर इसलिए है कि क्रिएशन एनाइलेशन हो रही है, पेड़ उग रहा है पेड़ कट रहा है, हम जीवित हो रहे हैं मर रहे हैं, तो मतलब हमारे इंडिविजुअल लेवल पे टाइम साइकिल समाप्त हो रहा है, बट जैसे हम मरते हैं फिर दूसरे जन्म में आ जाते हैं। अब वो लोग बोलते हैं ये दूसरा जन्म काट दो, ये है ही नहीं, रेस्ट इन पीस, कोई रेस्ट इन पीस हुआ ही नहीं। अगर शरीर आत्मा नहीं है या शरीर ही आत्मा है तो RIP कर दिया तो फिर कीड़े खा रहे हैं उसको, कौन सा स्वर्ग मिला उसको, है ना, नरक ही मिला उसको, तो जमीन में गाड़ दिया उसके शरीर को। तो शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। तो ये जो अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हाउ डज इट हेल्प? सो जो लीनियर टाइम है विच इज स्मॉल स्केल, जीवन में आप आगे बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन मरने के बाद क्या? नाउ लीनियर टाइम स्केल क्रिएट्स होपलेसनेस, एंग्जाइटी, क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन द माइंड। ये फिलॉसफी बैड है। आप द ओनली वन लाइफ सिंड्रोम, वन लाइफ सिंड्रोम इज कनेक्टेड टू लीनियर अब्राहमिक माइंडसेट, यू डाय एंड यू आर ओवर। व्हेन दे से यू आर विद हेवन, चले गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स का, और चले गए आप स्वर्ग चले गए, कैसे गए भाई, कौन गया स्वर्ग? आप तो बोल रहे लीनियर टाइम है, खत्म हो गया तो खत्म हो गया, holds 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 holds, they can't even recover from this. The one life syndrome, nonsense. Linear time, not partially true but not absolutely true, okay, because kahan gaya wo vyakti, kon gaya swarg mein kon narak mein gaya,
तो इसलिए लीनियर टाइम जो है इट क्रिएट्स होपलेसनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्रिएट्स अ सोसाइटी फुल ऑफ पीपल हु वांट टू गिव अप देयर लाइफ। नाउ साइक्लिकल टाइम प्रोसेस कैसा है? वी आर इन ए जर्नी, वी आर डूइंग योग, नया भी कमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विदेते स्वल्पम असित धर्म से त्रायते महतो भया। अल्प, छोटा सा समय, थोड़ा सा समय, सारे भय से मुक्ति, भय निवारक। हम बोलते हैं शिव जी को महाकाल है, मतलब काल के भी महाकाल। तो एक्चुअली जो समय जो होता है वो काल के अंदर चलता है, शिव जी उसके धाता है और दुर्गा देवी उसको कंट्रोल करती है मृत्यु लोक। तो ये जो सिस्टम है क्रिएट्स होप। चलो भाई ये जीवन हमने बहुत खराब निकाला, कुछ तो अच्छा किया होगा, अब अगले जन्म में सुधरने का मौका मिलेगा, तो अब बुढ़ापे में मैं कोई बुरे कार्य नहीं करूंगा। बट यहां पे तो है नहीं, लीनियर टाइम है, बुढ़ापे में बढ़ा देते हैं और भी बुरे काम करते हैं बुढ़ापे में, और जितने बूढ़े होते जाते और बड़े बड़े काम करते जाते हैं ना? और एंड दिस इज व्हाट क्रिएट्स ए डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी। जा रहा है मरने लेकिन काम और भी बुरे करेगा। बट जो साइक्लिकल टाइम प्रोसेस में है, जो वैदिक काल प्रोसेस में है, व्हेन दे आर गेटिंग ओल्डर दे आर गेटिंग इनटू पुण्य कर्म, सुकर्म, सुकृति, इसमें घुस जाते हैं। चाहिए तो ये चाहिए कि बालक जो है 5 वर्ष की आयु से इसमें लग जाए कि अब मेरे को जन्म वापस नहीं लेना है, इस लीनियर साइक्लिकल टर्म साइकिल से बाहर आना ही पड़ेगा, उसमें नहीं रहना है। बट डजंट हैपन प्रैक्टिकली। एंड विच कंट्रीज आर ग्रेसिव विद दिस? अब उसमें आते हैं कौन कौन सी कंट्रीज में ये सब फैला हुआ है। ये फैला हुआ है, ये है ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो इंग्लैंड में है, लंदन के थोड़ा बाहर है। ये आपको दिखेगा लंदन, थेम्स नदी दिखती है नाले के जैसी, छोटी नाले के जैसी है वो। लंदन वालों को बड़ा बुरा गया, क्या मैं इसको उनके जगह नाला बुला दिया, बट नाला ही है, क्या करेंगे भी, कुछ और तो बोल नहीं सकते उसको, क्या बोलेंगे इसको। ये है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने ये जितने भी यूरोप है ये सभी जहां जहां चर्च का शासन है सब यहां पे फैला दिया है। और बड़ा अजीब बात है, एक भी नेटिव, मैं आपको बताऊं, जो हम लोगों से एग्री करता है वैदिक टाइम साइकिल में, मायन, एस्टेक, ओलमेक, लिमा, पूरे साउथ अमेरिका के नेटिव्स, पूरे यूरोप के नेटिव्स, सब लोग बिलीव करते हैं, अफ्रीका के नेटिव्स, हिंदू, पूरी दुनिया के हिंदू, पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट, तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बिलीव करती है साइक्लिकल टाइम में, वैदिक टाइम साइकिल में। मतलब कितना हो गया, अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो मेजोरिटी पॉपुलेशन बिलीव करती है। इवन जो चर्च जाते हैं उनमें से ही मेजोरिटी लोग बिलीव करते हैं टाइम इज साइक्लिकल। और जो अब्राहमिक पॉपुलेशन है, मेजोरिटी क्रिश्चियन, जो यहूदी, उसकी जो रिलीजियस पॉपुलेशन है, ओनली दे डोंट बिलीव दैट टाइम रीइंकार्नेशन और टाइम इज नॉट साइक्लिकल, बिकॉज द मोमेंट दे एक्सेप्ट टाइम इज साइक्लिकल दे हैव टू डिस्ट्रॉय द चर्च। चर्च ने यही फैलाया वन लाइफ सिंड्रोम, उसकी वजह से कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, होपलेसनेस बढ़ गई है। फिर बोलते हैं आप कन्फेशन कर लो आके हमारे पास। अरे भाई कन्फेशन क्यों करे भाई, क्यों कन्वर्शन करे और तेरे पास ही क्यों करे, तू तो इसी चक्र में फंसा हुआ है। वो इसलिए बोलते कन्फेशन करो ताकि आपको हमारी अथॉरिटी दिखे। ऐसे मूवी में दिखाते हैं, सामने बैठ गया पादरी के पास, आजकल तो क्योंकि विलन भी बनते हैं पादरी ना? तो ये पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ऑक्यूपेशन जहां जहां हुआ इनका चर्च का, वहां ये बीमारी फैल गई। अमेरिका के नेटिव 10 मिलियन लोगों के पास बीमारी नहीं है, कनाडा के 2 मिलियन लोगों के पास बीमारी नहीं है,
मेक्सिको के 14 मिलियन लोगों के पास बीमारी नहीं है, है ना, ब्राजील के 10 मिलियन लोगों के पास बीमारी नहीं है, चिले पेरू के 25% लोगों के पास बीमारी नहीं है, कोलंबिया के 10% लोगों के पास बीमारी नहीं है, मतलब जो जो पूरा साउथ अमेरिका के 40% लोगों के टोटल उसमें बीमारी नहीं है, नॉर्थ अमेरिका के 10% लोगों में बीमारी नहीं है, एक्चुअली 10 की जगह 20 मान लीजिए, इंडियंस में मान लीजिए बीमारी नहीं है, कुछ इंडियंस को छोड़ के, कुछ इंडियंस जो बोलते हैं वन लाइफ सिंड्रोम वो अलग ही कैटेगरी है। तो ये जो पूरा वेस्टर्न जगत है जहां जहां कोलोनाइजेशन हुआ, जहां पे चर्च की बीमारी फैली, वहां वहां ये लोगों का टाइम कैलकुलेशन से रिश्ता टूटा वैदिक टाइम से, और फिर उनमें डिप्रेशन की बीमारी आ गई, या होपलेसनेस की, या अनड्यू एंग्जाइटी की। जस्ट इमेजिन अगर आप मन में माने कि मैं तो आत्मा हूं, शरीर मैं शरीर नहीं हूं, तो जो भी कष्ट मिलते हैं शरीर को मिलते हैं, ये मैं तो आत्मा हूं, तो आपको सारे के सारी जो डिप्रेशन से है, जो नेगेटिव थॉट्स है, उससे फ्रीडम मिल जाता है, और इसीलिए लोग खुश होते हैं। मेंटल डिजीजेस भारत में बहुत ही कम है, या ईस्ट एशिया में सबसे सबसे ज्यादा सुखी कंट्री बन जाती वियतनाम, अमेरिका ने अटैक किया था, और अमेरिका सारे क्राइम से नंबर वन है, सब जगह गन में, टेररिज्म में, रोड एक्सीडेंट्स में, सब जगह में नंबर वन है यूजुअली। मतलब अगर आप अफ्रीका में कुछ देशों को कंपेयर ना करें, या मिडिल ईस्ट में जहां पे लोगों ने अशांति फैलाई वहां कंपेयर ना करें, इन डेवलप कंट्रीज इज द वर्स्ट रिकॉर्ड इन एवरीथिंग। लेकिन पॉइंट आई एम सेइंग इज लीनियर टाइम, द कैलकुलेशन ऑफ द वेस्टर्न टाइम मेजरमेंट इज हैज नो बेसिस, हैज नो फिजिकल बेसिस। वैदिक टाइम कैलकुलेशन हैज अ फिजिकल बेसिस, दैट्स द पॉइंट आई एम सेइंग। एंड द वेस्टर्न टाइम साइकिल, अब्राहमिक टाइम साइकिल इज लीनियर, विच इज इलॉजिकल बाय देयर ओन स्टैंडर्ड्स। टाइम कैन नॉट बी लीनियर, टाइम हैज टू बी साइक्लिकल, बिकॉज सन अग्रेजन आ रहा है ना, सूर्य ऊपर आ रहा है, तो 24 घंटे में टाइम रिपीट हो गया, फिर आपका क्या हुआ, आप तो नहीं मूव किए टाइम से, आप तो वैसे के वैसे रहे, मींस टाइम हैज पास्ड यू, दैट मींस यू बिकम ओल्डर, नाउ यू आर कैलकुलेटिंग इट। उसका उसका फिजिकल प्रूफ आपको मिल जाता है ना, बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, इम्यूनिटी वीक होती है, वो सब प्रूफ आपको मिलता रहता है। So thank you all for watching. I hope you understood what my point was trying to make. So the linear time creates negative thought process, depression, anxiety, and the cyclical time process creates hopefulness and creates a anxiety-free lifestyle. So I'll show you the film. Namaste, Jai Jagannath, and thank you for watching this show.